ये जो भारत और इंग्लैंड के ब्रिटेन के बीच में जो रिश्ते में सरमेहरी आई है, जो एक तरह से थम सा गया है रिश्ता, तो दो पॉइंट्स भारत की तरफ से, दो कदम ब्रिटेन की तरफ से क्या उठाने चाहिए जिससे कि रिश्ते में दोबारा जाना जाए? भारत की तरफ से सबसे पहला कदम तो ये है कि भारतीय प्राइवेट इंडस्ट्री क्यों इतनी सक्सेसफुल हुई है, और सरकारी लेवल पे जो इनिशिएटिव होते हैं, चाहे वो किसी CIA फिक्की टाइप के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो या सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हो, वो क्यों नहीं इतनी सक्सेसफुल होती। पहला कदम तो उनको सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए कि हमारे में क्या खामियां हैं जिससे हम ये खाइयां लांग नहीं सकते। दूसरा कदम ये है कि भारत को अपनी मीडिया रीच जो है ब्रिटेन में वो बढ़ानी पड़ेगी। अभी सिर्फ प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं है, और आज के ज़माने में मीडिया कई चीज़ें, कई मुश्किलें ईज आउट कर सकता है। मीडिया का ज़माना है तो नेचुरली अपनी रीच बढ़ानी चाहिए। दूसरा ये है कि जो 10 साल का इंटरवल है ये नहीं होना चाहिए। अगर हम जर्मनी के साथ समिट कर सकते हैं, अगर रशिया के साथ समिट कर सकते हैं, तो ब्रिटेन के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रिटेन की इन्वेस्टमेंट जो $100 बिलियन की है पिछले 50-60 सालों में, वो मायने रखती है। और इसी तरह भारत की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट है और इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में। तो इन सबको नर्चर करने के लिए, इन सबको आगे बढ़ाने के लिए एक कांस्टेंट इंटरेक्शन की ज़रूरत है। और इंग्लैंड को क्या करना चाहिए? दो कदम इंग्लैंड को मेरे ख्याल से तो अपने हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स के किवाड़ खोलने चाहिए जो बंद है। किसी भी इंडियन को वहाँ जाने के लिए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई माउंट एवरेस्ट पे जाना हो। तो सबसे पहले तो इट हैज़ टू बी ओपन उनका आउटरीच डिप्लोमेसी, बढ़ना चाहिए इंडियंस के प्रति। आउटरीच। अब किवाड़ खोलेंगे तभी रीच होगा, आउटरीच तो बाद में होगा। दूसरा ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन UK, उसमें ठीक है आप प्रिंट में कह दें, ब्रोशर्स में छाप लें कि बहुत ईज है, पर तो प्रैक्टिकल लेवल पे, मैं बड़ी बड़ी फर्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे बड़ी बड़ी फर्म्स को भी परेशानियाँ हैं, टाटा को परेशानियाँ ज़्यादा थी जब उन्होंने बिजनेस सेटअप किया था, पर प्रैक्टिकल लेवल पे जो स्मॉल और मीडियम इन्वेस्टर्स हैं उनको भी भरोसा दिलाना चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हम वेलकम करते हैं।